वही देखो, जो आपके टॉपिक है ना, वो दो किस्म के टॉपिक हैं, दो किस्म के फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। एक को आप कहते हो प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज, अगेन आइडेंटिटीज का वर्ड यहाँ पे यूज होगा, फॉर्मूले भी बोल देते हैं, इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है, आइडेंटिटीज है। वही आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी वो सेटिस्फाई हो रही होगी। और दूसरा जो आप लोगों ने पढ़ना है वो है सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। ये जरूर बिलाल आया होगा, देखा इसका माइक्रोफोन बंद नहीं होता, चलो बंद हो गया। दो किस्म के फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। अच्छा, ये नाम से आप लोगों को क्लियर है कि ये फॉर्मूले किस किस्म के होंगे। जैसे जो पहला है ये है प्रोडक्ट टू सम। हाँ, पहले हम ये पढ़ते हैं। प्रोडक्ट टू सम का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट गिवन होगा और आप उसको कन्वर्ट करोगे सम की फॉर्म में। अब जरा देखते हैं, चार फॉर्मूले यहाँ पढ़ोगे, चार फॉर्मूले आप यहाँ भी पढ़ोगे, और ये निहायत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, खासतौर पे जो ये आप प्रोडक्ट टू सम पढ़ रहे हो, इतने यूज होने वाले फॉर्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री के अलावा हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट में यूज हो रहे होते हैं, तो बहुत ही काम के फॉर्मूले। मैं इनको एक ऑर्डर वाइज लिखवा रहा हूँ, जिस ऑर्डर में मैं लिखवा रहा हूँ उसी तरह आप लोगों ने याद करना है, आसानी होगी याद करने में। तो अब देखो, प्रोडक्ट गिवन है, जैसे यहाँ पे पहला प्रोडक्ट है साइन अल्फा कॉस बीटा, देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट गिवन है साइन और कॉस। इसी तरीके से अगर आपके पास तरह आ जाए कॉस अल्फा साइन बीटा भी हो सकता है, फर्क इन दोनों में ऐसा नहीं है, आप इसमें कॉस को पहले ले सकते हो, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप इनको अलग अलग ही ट्रीट करो तो बेहतर है। कि अगर साइन की पहली टर्म आ रही है, मतलब पहले साइन लिखा हुआ है फिर कॉस लिखा हुआ है, तो अब ये वाला फॉर्मुला यूज करो। अगर पहले कॉस लिखा हुआ है फिर साइन लिखा हुआ है, तो अब ये वाला फॉर्मुला यूज करो। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, बाकी दो फॉर्मुले कौन से? एक है कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक है साइन अल्फा साइन बीटा। चार किस्म के फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़ने, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लो। अगर मैं आपके सामने लिखूँ ना यहाँ पे sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई sin 31 डिग्री, आप टर्म्स को मल्टीप्लाई उसी वक्त करोगे ट्रिग्नोमेट्री टर्म को जब उनके एंगल चेंज है। जैसे बिल्कुल अगर यहाँ पे 30 होता ना तो आप इसको लिख देते हैं sin²30, लेकिन अगर एंगल में फर्क आ गया, जैसे ये 30 है 31 है, अब आप इन दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में कर सकते हो जब इनके एंगल सेम हो। ये सिचुएशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस के दो टर्म है लेकिन इनके एंगल अलग होंगे, तो दैट्स व्हाई आप इनको इस तरह मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं लिख सकते। सेम इसी तरीके से साइन की दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन इनके एंगल में फर्क होगा, तो आप ये वाला काम नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे फॉर्मुला यूज करोगे। अब फॉर्मुले क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मुला होता है 1/2 sin α+β + sin α-β। ये जो फॉर्मूला आपने याद किया एज इट इज, को नीचे कॉपी कर दो, बस एक आपने प्लस की जगह माइनस लगाना है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। यहां पे प्लस की जगह आपने माइनस लगा देना, दैट्स इट, तो ये नया फॉर्मूला आ जाएगा। इस चीज का बस आपने ख्याल रखना है कि इस वाले फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, अगर कॉस पहले है तो उस वाले फॉर्मूले में माइनस आएगा, और अगर साइन पहले है तो उस वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2, अब कॉस की टर्म आया करेगी, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और एज इट इज को कॉपी कर दो, यहां पे दो जगह माइनस लगाना है, एक तो आप बाहर माइनस लगाओ और एक लगाओगे माइनस आप अंदर इस जगह पे। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको बेसिकली दो फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी आप खुद ही याद कर लोगे। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर में, तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे प्रोडक्ट है लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो सम की फॉर्म में, दैट्स व्हाई इनको सम एंड डिफरेंस बोला गया, मतलब कहीं आपका सम है कहीं डिफरेंस है, तो प्रोडक्ट को आपने कन्वर्ट किया सम या डिफरेंस की फॉर्म में। ये चार फॉर्मूले इनको आपने याद रखना। उसके बाद अगर आप इन पे आओ तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास सम गिवन होगा और आप उसको कन्वर्ट करोगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे, कौन कौन से? अच्छा, रेंडम अपनी तरफ से आप पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी पढ़ने जरा देख लो कौन कौन सी है, वो है sin u + sin v, एक ये फॉर्मूला आप देखोगे, फिर आप देखोगे sin u - sin v का, फिर आप देखोगे cos u + cos v का, और फिर आप देखोगे cos u - cos v का। अच्छा, इनकी डेरिवेशन सारी बुक में मौजूद है, अगर आपको शौक हो आप आसानी से देख सकते हो 10.4 से पहले के फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। ये बेसिकली असल जो इनका ओरिजिन है ना, वही है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, cos α - β का फॉर्मूला, वहीं से आपने sin α+β sin α - β के फॉर्मूले निकाले, और उनकी वजह से जितने फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, इसी तरह ये वाले, ये सारे फॉर्मूलों का जो ओरिजिन है वो फंडामेंटल लॉ है, दैट्स व्हाई उसको बोला जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है,
इन सबकी डेरिवेशन बुक में मौजूद है, अगर आप लोगों को शौक हो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो अल्फा बीटा यूज नहीं किया गया तो इसमें कोई मतलब हर्ज नहीं है। आप यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इस तरह भी याद कर सकते हो, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। आप यू वी की जगह अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हो, बुक ने यहाँ पे यू वी यूज किया हुआ तो मैं भी यू वी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी मर्जी। दूसरा यू वी से आपको इन दोनों में फर्क नजर आएगा, माने जो साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, आप इसको कहीं यहाँ पे आकर कंफ्यूज नहीं कर देना। अगर मैं फॉर्मूले को इस तरह लिखवाऊँ ना साइन अल्फा प्लस बीटा, तो दरमियान में बस एक प्लस का फर्क है, ये साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो मे बी आप कंफ्यूज कर दो। दैट्स वाई यू और बी का सिंबल जो है वो तो काम का सिंबल है, दैट्स वाई इसी के हिसाब से हम फॉर्मूले बनाते हैं। अब देखो ये रैंडम पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप इसमें देखो ये चार कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको ये कोई नजर नहीं आ रहा साइन यू माइनस कॉस वी, ऐसा आपको नजर नहीं आ रहा। इसी तरह आपको ये नजर नहीं आ रहा साइन यू प्लस कॉस वी, ये भी फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। इसी तरह कॉस यू माइनस साइन यू साइन वी, कहने का मतलब रैंडम अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, आपके पास चार किस्म के कॉम्बिनेशन है जिनके फॉर्मूले हैं, बाकियों के फॉर्मूले नहीं है। उनमें आप क्या करोगे, कोशिश करोगे इन्हीं में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ये वाली सिचुएशन आ रही होंगी, आपकी कोशिश क्या होगी आप इसको कन्वर्ट कर दोगे इन सिचुएशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो इंशाल्लाह जब सवाल आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। फॉर्मूले ये चार ही हैं, ठीक है। तो अब देखो ये सम की फॉर्म में, आप इसको देखना प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। तो आप देखो ये सम की फॉर्म में थे, आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम जो फॉर्मूला आपने है ना इधर लिखो, लेकिन बस चेंज कर दो, अब कॉस की टर्म पहले आएगी ठीक है, और साइन की टर्म बाद में आएगी, ये फर्क है इन दोनों फॉर्मूले को। जो पहले आती है उसके एंगल में पॉजिटिव आता है, जो बाद में आती है उसके एंगल में नेगेटिव आता है। तो इस वाले फॉर्मूले में साइन की टर्म पहले कॉस की बाद में, इस वाले में कॉस पहले साइन बाद में, तो आसानी से आप इनको याद कर सकते हो उस पैटर्न को। कॉस यू प्लस कॉस वी के फॉर्मूले में पूरा कॉस आता है, तो कॉस यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू, तो इसके फॉर्मूले में पूरा कॉस ही आ रहा है। इसी तरह कॉस यू माइनस कॉस वी के फॉर्मूले में पूरा साइन आएगा, बस आपने माइनस लगाना है, तो ये हो जाएगा साइन यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन वंस अगर आप उनको याद कर लो तो ये बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, बहुत जगह यूज होंगे। तो बच्चों ये 10.4 का टॉपिक है, कोई नई बात नहीं है 10.4 के अंदर, बस नई बात ये है ये चार आठ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को यहाँ पे याद करने हैं। अच्छा 10.4 के शुरू के दो क्वेश्चन तो आप लोगों की फॉर्मुलों की प्रैक्टिस है, तो चांसेस कम ही है इसके आए, लेकिन बहरहाल आ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक या दो दो नंबर के अंदर शायद देते हैं वो आपको। तो पहले क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट गिवन है, आपने उसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर रहे होंगे, सॉरी ये वाले फॉर्मूले। और जो क्वेश्चन नंबर टू है इसमें सम गिवन है, आपने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप फिर ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन का मैं एक तो आप लोगों को सुलझा हुआ पार्ट करवा देता हूँ जिसकी वैल्यूज थोड़ी ढंग की है, बाकी मैं फालतू फालतू डाला हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन लिखा हुआ है टू साइन सिक्स थीटा कॉस थ्री थीटा, इसको आपने एक्सप्रेस करना है सम की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में ना, आपने इसको सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हाँ तो सबसे पहले आप फॉर्मूला मेंशन कर दो, ज्यादा अच्छी बात है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखो दो किस्म के फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, यही मैंने बताना था आपको, और तो कोई खास चीज नहीं है। आप इस पे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, आप इस पे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, जो शुरू के दो फॉर्मूले मैंने करवाए थे वो दोनों अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप टू को इग्नोर करो, साइन सिक्स थीटा कॉस थ्री थीटा इस तरह भी आप लिख सकते हो, या आप इसको कॉस के टर्म को पहले लिख दो, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कॉस को पहले लिख दो साइन को बाद में लिख दो, प्रोडक्ट में ऑर्डर कौन सा मैटर करता है। तो इस वाले अगर इस तरह आप सॉल्व करोगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका अल्फा होगा सिक्स थीटा और बीटा होगा थ्री थीटा, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो अब आपका अल्फा होगा थ्री थीटा, बीटा होगा सिक्स थीटा, और अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो कहने का मतलब दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती है कि एक सवाल को आप डिफरेंट अंदाज में अप्रोच कर सकते हो, खूबसूरती भी है और तंग भी करती है जी। तो हम पहली पहली अप्रोच ही रखते हैं कि साइन पहले लिखा हुआ है तो वही करते हैं। फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ मैं, साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन टू। बेस्ट तरीका होता है फॉर्मूलों को याद करने का कि फॉर्मूला लिखते जाओ, बेशक देख के लिखो साथ बोलो, बार बार ये करोगे तो खुद ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टू जो है ना, नॉर्मली जो सॉल्यूशन में अगर आप देखो ना इस फॉर्मूले में इस टू को ना यहाँ पे ले जाते हैं, तो टू साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला बना देते हैं,
वो मैं काम करवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि कहीं जगह ये काम आएगा, कहीं जगह 1/2 यूज कर रहे होगे। तो बेहतर है एक ही चीज याद रखो, ये वाला फॉर्मूला, जहां भी ये फॉर्म आए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, किस तरीके से? कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, 2 sin 6 थीटा cos 3 थीटा, इसको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, आप इसको सिंप्लीफाई करना। तो इस 2 को मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज बाद में कंफ्यूजन से बचने से बेहतर है कि अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसी तरीके से आप अप्लाई करो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन अल्फा कॉस बीटा पे, तो आप इस पे लगाओ, 2 पे फॉर्मूला नहीं आप लगाओ, 2 को साइड पे कर दिया मैंने, सही है। आप फॉर्मूला लगाओ इस पे और इस पे, अल्फा आपका क्या है 6 थीटा, बीटा क्या है 3 थीटा, जरा फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला है 1/2 sin α+β, मतलब 6 थीटा प्लस 3 थीटा। फिर फॉर्मूला कहता है साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है 6 थीटा, बीटा है यहाँ पे 3 थीटा। अच्छा जी, अब इस 2 को 2 से कैंसिल करो तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा, ये 2 टर्म बच जाएंगे। तो ये पहली वाली क्या है, 6 + 3 ये हो जाएगा 9 थीटा, प्लस 6 - 3 ये हो जाएगा 3 थीटा। तो मतलब सवाल आपका कंप्लीट। ये प्रोडक्ट गिवन था, आपने इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लिया सम की फॉर्म में, यही आपका सवाल है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सप्रेस करना है। तभी मैंने कहा था बस फॉर्मुलों की प्रैक्टिस के लिए, ऐसा कोई इतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है जो पेपर में आएंगे। अब अगर बाकी सवालों में देखो, अगर ट्राई करना चाह रहे हो तो सारे के सारे पार्ट ट्राई कर लो, कोई खास बात नहीं है। बस कंफ्यूज करने के लिए मुश्किल मुश्किल से एंगल दिए हमें, जैसे पार्ट नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 cos 2 theta + 60 cos 2 theta - 60, ये लिखा है। कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा का। अगेन फॉर्मूला देख के लिखो, साथ बोलना भी, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब जरा स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि आपका अल्फा अल्फा क्या है और बीटा क्या है। जो पहला एंगल होता है इसको आप क्या लेट करोगे, ये चीज अल्फा है। जो दूसरा एंगल है इसको आप लेट करोगे, ये बीटा है। तो जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 को साइड पे रखते हैं और इन दो जो कॉस के टर्म है इन पे फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 cos α+β, अल्फा है 2 थीटा प्लस 60 प्लस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है 2 थीटा माइनस 60। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद फॉर्मूला कहता है प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, बीटा ये पूरा है। तो बीटा से पहले आपको पता है माइनस साइन आया हुआ है, तो माइनस बीटा की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहली वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी वाली पॉजिटिव हो जाएगी। सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अगेन वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 60 और -60 यहाँ पे कैंसिल, 2 थीटा प्लस 2 थीटा ये हो जाएगा cos 4 थीटा। अच्छा यहाँ पे 2 थीटा और -2 थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, 60 प्लस 60 क्या होता है 120। और इसके बाद अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहो, cos 120 कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो, जो नॉर्मल आपने मेथड पढ़े उनसे भी आप निकाल सकते हो। इसको आप 90 - 30 की फॉर्म में ब्रेक कर दो, cos 90 - 30 क्या होगा, मैं ऊपर चलो कर देता हूं, 90 डिग्री - 30 डिग्री। तो आपने क्या पढ़ा था कि 90 पे फंक्शन चेंज होता है, तो ये 90 पे कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे लिख दोगे, 90 - 90 + 30 120 है ना। तो अब 90 + 30 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये sin 30 डिग्री क्या होता है, कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लेना, 1/2 होगा। तो फाइनली आप इसको लिखोगे 1/2, सॉरी -1/2 cos 4 थीटा। तो जो पूरा प्रोडक्ट, ये जो चीज थी पूरी, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। वैसे तो आपने इसको जस्ट यहाँ यार ये गलती कर दी है, तुम लोग याद भी नहीं करवाते। पॉजिटिव आएगा ना दरमियान में, दरमियान में पॉजिटिव था, क्या होगा 9 होगा, cos 4 थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, इसी तरह अब दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा।
ये सिचुएशन बनेगी, तो वही फाइनल आंसर है आपका, कॉस 4 थीटा -1/2। तो प्रोडक्ट गिवन था, आपने इसको सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इस तरीके से आप सवाल करोगे। तो या तो 4 फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को बताया प्रोडक्ट टू सम के, वही आप इस पर अप्लाई करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल हो जाएंगे। एक चीज को याद रखना, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल कभी ये सिचुएशन आती है ना, साइन -30 डिग्री, तो साइन और टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उनके एंगल में नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव को आप बाहर कर देते हो, इस तरीके से। इसी तरह टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव को आप बाहर कर देते हो, जबकि कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेगेटिव आ रहा हो तो उस नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो। कोई भी अगर आपके पास एंगल आ रहा है साइन और टेंजेंट में और उसके साथ नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव को बाहर कर देते हो, लेकिन कॉस के केस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव को इग्नोर कर देते हो। तो अगर किसी सिचुएशन में नेगेटिव आ रहे हो ना इस टाइप के, तो आप देख लेना, अगर साइन और टेंजेंट है तो बाहर ले आना, और अगर कॉस है तो आप इग्नोर कर देना। अच्छा जी, तो यहाँ पे यार मैं पार्ट नंबर 2 करवा रहा हूँ, फिर मैं पार्ट नंबर चलो 5 भी करवा दूंगा, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में फ्रैक्शंस को सॉल्व करवाना है ना, तो इसको देखते फिर तुम्हारी रिक्वेस्ट पे 5 भी करवा दूंगा। अब यहाँ पे पार्ट 5 भी कर लेते हैं, साइन 5/2 -5/4। अच्छा, जो पहला ये जो पार्ट लिखा है, इसमें जो फॉर्मूला आप लगाओगे कॉस यू -कॉस थी का लगाओगे, तो मेंशन कर देते सबसे पहले कॉस यू प्लस कॉस थी का, वो होता है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू -V/2, ये फॉर्मूला जरा अप्लाई करते हैं। यू और वी क्या है बच्चों, ये पूरी चीज आपकी यू है और ये पूरी चीज वी है, तो अप्लाई करो, फॉर्मूला कहता है 2 cos यू प्लस वी, यू है 5 थीटा अपॉन 2, इसको आपने ऐड करना है वी के अंदर, वी है 3 थीटा अपॉन 2, तो ये हो गया यू प्लस वी, और यू प्लस वी को आपने डिवाइड करना है 2 से। ऐसा मैं सवाल करवा रहा था, इसमें थोड़े से एंगल्स में बच्चे फंसते हैं। इसी तरह यू माइनस वी, तो यू माइनस वी डिवाइडेड बाय, इस तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो ना, 2 LCM आ जाएगा न्यूमरेटर में, 5 + 3 क्या होता है 8 थीटा अपॉन 2, तो न्यूमरेटर आपका होगा 8 थीटा अपॉन 2 और डिनोमिनेटर क्या है 2। इसी तरह यहाँ पे 5 थीटा को -3 थीटा करोगे तो 2 थीटा हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में 2 अपने जगह पे वापस है, कैंसिल करो ये हो जाएगा 4 थीटा, इसको कैंसिल करो जस्ट थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos, ऊपर हो जाएगा 4 थीटा और नीचे है 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 से जब 2 कैंसिल हो गया, ऊपर थीटा है और नीचे 2, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 4 थीटा अपॉन 2 अगेन कैंसिल करो, ये क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2, यहाँ पे भी क्या आ गया थीटा अपॉन 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और बोल सकते हो ये है 2 cos² θ/2। मैं वही कह रहा था कि इसमें मसला आ रहा है, ये होगा बस ये फाइनल है, 4 θ/2 जो है वो 2 θ होता है। मैं असल में असाइनमेंट बना रहा हूँ सुबह से बैठ के, तो अपना यूनिवर्सिटी का फाइनल है मंडे को, मेरी मैथ ना कर करके कैलकुलेटर में यूज करता नहीं, क्योंकि फ्रैक्शंस काफी थी सॉल्व करने के लिए, तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल बेड़ा वर्क हुआ, तभी मैंने बोला था एक्स्ट्रा टाइम मुझे दे दो, मैं अपना काम फाइनलाइज करके और बात करता हूँ, वो क्लास लेता हूँ। तो तुम लोग थोड़ी आंखें खोल के रखा करो, मेरी मैथ अच्छी है लेकिन कैलकुलेशन में ना बेड़ा वर्क हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान किसी और तरफ होता है, तो देख के किया करो, क्योंकि ये वीडियोज कुछ हफ्ते बाद मैंने यूट्यूब पर अपलोड करनी है, तो वहां पे गलत सॉल्यूशन हो गया तो फायदा, फिर ऑनलाइन क्लास का फायदा ये होता है कि बच्चे ठीक करवा देते हैं कि सर ये आपने गलती की, आपने गलती की, रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा होता नहीं है, तो जब अपलोड होंगी कभी किसी जमाने में तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा सही है, तो उम्मीद है कोई इसमें मसला नहीं हुआ होगा। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं इस पे डबल एंगल फॉर्मूला, इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला, लेकिन आपसे पूछा नहीं गया, पेपर में अगर आए तो आप कर देना, अगर देख लेना सवाल अगर 2.5-3 नंबर के अंदर आ रहा है तो बस आप इसको cos² θ को 2 cos² θ -1 कर देना, इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला √1 + cos² θ/2 लगा देना, कर सकते हो ऑफर सिंप्लीफाई। अच्छा, इस पे आप ये क्या लिखा हुआ है साइन यू -sin v, तो साइन यू -sin v का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin u + v/2 sin u -v/2,
तो साइन पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय फोर, इस तरह। अच्छा, इसको वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये साइन 90 होता है, साइन 91 होता है, और साइन पाई बाय फोर 1/√2 होता है, उस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें बुला रहे कि फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना है ना, तो इसलिए हम ये वाला मेथड कर रहे हैं। तो आप लिखो 2 sin u+v। अब आपका ये u है, ये v है, तो π/2 + π/4 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह है साइन यू माइनस सर वी, तो ये हो फॉर्मूले जाएगा में फाइव बाय कॉस नहीं टू आएगा? फॉर्मूले में कॉस नहीं आएगा, साइन यू माइनस साइन वी फॉर्मूले में कॉस नहीं आता। देखिए, साइन यू माइनस, अच्छा सॉरी, सही है, बिल्कुल सही, मैं कॉस यू माइनस कॉस वी समझा था, देखो अच्छा ये ना बता दू। हाँ सही, मेरे ध्यान में कॉस यू माइनस कॉस वी का हो जाता, तो खैर उधर भी माइनस लगता, वो भी नहीं लगाया मैंने। बारह, तो अब क्या होगा, हाँ बस यहाँ पे कॉस कर देते हैं, वहां पे साइन दे, ये सिचुएशन है। अब आपने क्या करना है, पाई बाय टू और पाई बाय फोर को सॉल्व करना है। वैसे इसको आप रेंडमली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कहूंगा पाई बाय टू 90 होता है, पाई बाय फोर 45 होता है, 90 + 45 135, और 135 को रेडियन में हम लिखते हैं 3π/4। हाँ 3π/4 लिखते हैं, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन आपकी नहीं आती तो आप लोग सिंपल एलसीएम ले लो इसका, इस तरीके से एलसीएम यहाँ पे क्या है, 4 है, ये हो जाएगा 2π, यहाँ से आ जाएगा पाई, फिर 3π/4 हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में है 3π/4 और डिनोमिनेटर में 2। अच्छा 90 को जब आप 45 से माइनस करते हो तो पीछे 45 बचता है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में पाई बाय 4, 90 - 45 सिंपल 45। अच्छा जी, 3π/4 जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 3π/8, और इसको सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा sin π/8। ये आपका सवाल कर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों, सेम ही काम आपने हर सवाल में करना है। अगर आप देखो पार्ट नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड ही आप पिक करोगे, ऊपर आप फॉर्मूला लगाओगे साइन यू माइनस साइन वी का, नीचे लगाओगे कॉस यू प्लस कॉस वी का। पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी। पार्ट नंबर 3 में भी साइन यू प्लस साइन वी, डिनोमिनेटर में कॉस यू प्लस कॉस वी, सब में एक ही किस्म का काम करना है। मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 2 करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 को फिलहाल देखते हैं बाद में। तो पार्ट 1, 2, 3 से मैं सिर्फ पार्ट 2 करवा रहा हूँ, सेम ही काम करना है आपने, बाकी सवालों पे अप्लाई कर लेना। 3 का पार्ट 2 प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। प्रूफ करने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया है, क्या तरीका होता है, सबसे पहले प्रूफ की हेडिंग लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड करनी है मेंशन। इसके बाद बच्चों आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे दो फॉर्मे लगाने हैं, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, लाजमी फॉर्मुलों को मेंशन करोगे, मैं नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है, तो पहले आप मेंशन करोगे फॉर्मूला साइन यू प्लस साइन बी का, मेंशन कर देना, फिर आप मेंशन करोगे साइन यू माइनस साइन बी का, ये मेंशन कर देना, उसके बाद अब आप दोबारा राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को। तो जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट इधर, साइन यू प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin यू प्लस वी, यहाँ पे यू की जगह, यू और वी की जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो आप रिप्लेस कर दो, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया साइन यू प्लस साइन बी का। डिनोमिनेटर में लगा दो साइन यू माइनस साइन बी का, बस कॉस उल्टा हो जाएगा, पहले कॉस आ जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सबसे पहली बार 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप देखो ये है साइन अपॉन कॉस, मतलब एंगल सेम है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आपने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट, इसी तरीके से कॉस अपॉन साइन क्या होता है, इनको आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे बिल्फाज अगर आप इनको तोड़ दो और दरमियान में पॉइंट लगा देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, कहने का मतलब इस फ्रैक्शन को आपने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, है तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, बस अलग अलग किया है आपस में, आपने मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी चीज टेंजेंट हो जाएगी, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, बाकी पार्ट में भी आपने सेम यही काम करना है, कोई नई चीज नहीं है करना है, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड ही पिक करोगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड पूरी मेंशन करना, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ,
अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें क्या, मेरे जहन में कुछ नहीं पता क्या करना है सवाल में, तो मैं रैंडम ही अप्लाई करता हूँ, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। वैसे तो किसी ऑर्डर में भी आप इसको कर सकते हो, तो मैं हल में जल्दी आंसर आ सकते हैं, मैं हल में 8 और 2 का पेयर बना दो आप, ताकि 10 आए ना। हाँ इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि 2 थीटा और 8 थीटा, इन दो टर्म को अगर आप एक साथ लिखो तो इनका एंगल है 2 थीटा और 8 थीटा। 2 और 8 को जब ऐड करोगे 10 आएगा, उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ रहा होगा। राइट हैंड साइड पे चूंकि आपको 5 चाहिए, इसलिए ये वाली टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। बल्कि यही काम कर लेते हैं, वरना फिर एक्स्ट्रा काम ना करना पड़ता है। तो आप इसको इस तरह लिख दो, पहले न्यूमरेटर में sin 2 थीटा और 8 थीटा, इसको एक साथ लिखो क्योंकि 2 प्लस 8 10 होता है। इसी तरह sin 4 और 6, इनको एक साथ कर दो क्योंकि 4 प्लस 6 क्या होता है, 10 होता है। सेम काम डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, आप लोगों ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। प्लस cos 8 थीटा, इसी तरीके से cos 4 थीटा और 6 थीटा, तो एक साथ ही मौजूद है, एक साथ ही रहने देते हैं। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगेन इस पे फॉर्मूला होगा sin u + sin v का, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो क्या हो जाएगा 2 sin, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है u + v/2, तो 2 + 8 ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा u + v/2, u + v है 10 थीटा/2। इसी तरीके से कॉस के अंदर क्या होगा, u - v, तो 2 को जब 8 से माइनस करोगे, 2 - 8 ही क्या हो जाएगा, -6, तो हो जाएगा -6 थीटा/2। लेकिन कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में फॉर्मूला ये था ना cos u - v/2, तो u यहाँ पे 2 थीटा है, v यहाँ पे 8 थीटा है, जब आप माइनस करोगे तो 2 - 8, यहाँ पे -6 थीटा आ रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कॉस के अंदर जब नेगेटिव आता है उसको इग्नोर कर देते हैं, बेशक आप इस स्टेप में इग्नोर नहीं करना, आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा फालतू का टाइम जाएगा जब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ माइनस इग्नोर करूंगा, इसलिए मैंने यहीं पे माइनस को इग्नोर कर दिया, ये सिर्फ कॉस के अंदर होता है। अच्छा फिर इस पे अप्लाई करो, इस पे भी sin u + sin v का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 sin अगेन 10 थीटा/2, और 4 - 6 - 2 होता है, अगेन माइनस को इग्नोर करो और रखते हैं। अच्छा जी, अगेन cos u + cos v का फॉर्मूला लगाना है, cos u + cos v के फॉर्मूले में सिर्फ cos ही आता है, वही 2 सेम एंगल होंगे, सेम पूरे एंगल आ रहे हैं, जो ऊपर एंगल आए थे सेम नीचे भी वही है। इसी तरह यहाँ पे भी वही होगा, 2 cos 10 थीटा/2, और माइनस जब करेंगे तो cos 2 थीटा/2, ये सिचुएशन बन रही है। अब इसको फाइनलाइज सिंपल करते हैं, ये हो जाएगा 5 थीटा, 10/2 5 होता है, ये हो जाएगा cos 3 थीटा, अगेन ये हो जाएगा sin 5 थीटा, और 2/2 सिंपल थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 cos 5 थीटा, अगेन 6/2 क्या होता है, 3 थीटा, सेम उसको भी इस तरह कर लो। अब देखो आपको आंसर में टेंजेंट 5 चाहिए, मतलब टेंजेंट 5 क्या होता है, sin 5/cos 5, तो ये sin 5 cos 5 दोनों टर्म में आपको नजर आ रहा है, तो जरा कॉमन ले लेते हैं इसको, sin 5 थीटा न्यूमरेटर से आपने कॉमन ले लिया, तो पहली वाली टर्म में 2 बचेगा और cos 3 थीटा बचेगा, और दूसरी टर्म में से 2 बचेगा और cos थीटा बचेगा, 2 भी कॉमन ले सकते थे लेकिन मैं नहीं ले रहा कॉमन से। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से cos 5 थीटा कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 2 cos 3 थीटा और यहां से बचेगा 2 cos थीटा। अब अगर आप देखो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे सेम ही टर्म है दोनों, और sin/cos क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो देखने में मुश्किल लगने वाला सवाल एंड पे 3 4 स्टेप के बाद बड़ा इजी हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 4 के 2 पार्ट है, एग्जैक्ट आपको एग्जाम्पल मिलेगी पेज नंबर 312 पे, 312 पे एग्जाम्पल नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप की है। यहाँ पे आपको 4 टर्म्स होती हैं जो मल्टीप्लाई हो रही होती है आपस में, जैसे पेज 3 12 पे एग्जाम्पल नंबर 3 लिखी हुई है, sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 10.4 के पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है sin 20, sin 40, sin 60, sin 80, कॉमन बात क्या है, 20 20 का फर्क है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, और करना क्या है, 4 में तो बोला था इवेल्युएट करो, मतलब इसका आंसर निकालो आंसर क्या आ रहा है, जबकि एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि आंसर आपको दिया हुआ था, बोला हुआ था कि प्रूफ करो कि इसका आंसर 1/16 आ रहा है, तरीका सेम ही होगा, बस एग्जाम्पल नंबर 3 में आप प्रूफ का करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे,
जबकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कोई लेफ्ट राइट साइड नहीं है, बस जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे और एंड पे उसका आंसर निकाल लोगे। तो बेसिकली तीन सवाल है ये, मैं इनमें से एक करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, लेकिन जो मेथड मैं उसके अंदर बता रहा हूँ सेम मेथड बाकी पे भी अप्लाई होगा। तो एक क्वेश्चन सीख लो, बाकी दो जो है एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 वो खुद ही आ जाएगा। लिखा हुआ कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, और डेफिनेटली कैलकुलेटर के बगैर ही आपको वैल्यूएट करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना आपने। कैलकुलेटर के बगैर कैसे करेंगे अब जरा देखो क्या स्टेप होते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पे इन तीनों सवालों में ना आप एक ऐसा इसमें से कॉस की या साइन की टर्म देखोगे जिसमें आपको आंसर पता होगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 में देखोगे तो आपके पास एक आ रही होगी साइन 30 डिग्री, साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, विदाउट कैलकुलेटर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में एक टर्म आएगी साइन 60 डिग्री, साइन 60 भी आपको पता है, और 4 के पार्ट 2 में एक टर्म आ रही है कॉस 60, आपको पता है 1/2 होता है। तो कहने का मतलब बाकी आपको कैलकुलेटर बगैर नहीं पता, या एक्स्ट्रा काम शायद करना पड़े तब आए वो हाफ एंगल या कुछ ऐसा लगाना पड़े, लेकिन कॉस 60 तो ये तो बेसिक बात हमने सीखी थी चैप्टर नंबर 10 में कि 60 13 पे एंगल कैसे निकालने। तो कॉस 60 हमें पता है 1/2 होता है, तो जो चीज पता होगी ना आपको, एक इनमें चीज पता होगी आपको, उसकी आपने वैल्यू लिख के उसको साइड पे कर देना। कैसे? सबसे पहले करने का तरीका तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको लिखना है इस तरह, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 60, उसके बाद इक्वल लिखना। अब इसको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करना और इक्वल के बाद इस तरह लिखते जाना, ये प्रॉपर तरीका होता है। देखो कॉस 60 मुझे पता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो मैं इसको ऑलरेडी वैल्यू लिख के साइड पे कर देता हूँ, और जो पीछे टर्म बची है उनको लिख लो। पीछे क्या बची है, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80, इनकी अगर आप सॉल्यूशन देखो, लोगों ने पता नहीं ऑर्डर वाइज करवाया हुआ होता है, किसको किसी के साथ रखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रैंडम आपने बस फॉर्मुले अप्लाई करने, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। और फॉर्मुले कौन से अप्लाई करने हैं, सबसे पहले आप शुरू के 2 को पिक करो, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को फर्क पता चले। शुरू के 2 जो है ना इनको पिक करो, और इस पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा का। आपने क्या पढ़ा था, साइन अल्फा कॉस बीटा का, फिर दूसरा फॉर्मूला था कॉस अल्फा साइन बीटा का, तीसरा फॉर्मूला था साइन अल्फा साइन बीटा, और चौथा फॉर्मूला था कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो जरा कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे। मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आप लोग शायद जहन में ना हो, सेंस करके ब्लैक से आपने फॉर्मूला मेंशन कर लेना कॉस, और देख लेना मैं गलती तो नहीं कर रहा है इसमें, वेरीफाई कर लेना। ये फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद अगर अप्लाई करो 1/2, इन दो टर्म पे आपने अप्लाई करना है, मतलब ये आपका है अल्फा और ये है आपका बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या कहता है, -1/2, फिर अंदर क्या लिखना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, 20 + 40 क्या होता है, अब आप ट्वेंटी सर प्लस फोर्टी फॉर्मूला में लिखो, बोलो पॉजिटिव आएगा। अच्छा साइन अल्फा साइन बीटा का नेगेटिव है, साइन अल्फा साइन, हाँ साइन अल्फा साइन बीटा का लिख दिया मैंने, थैंक्स भाई। अच्छा जी, तो अब क्या करना है आपने, आपने अल्फा को 20 बीटा को 40 लेना है। जब फॉर्मूला अप्लाई करो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है, अभी सवाल में ना 2 दफा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपके ऑलरेडी 5 से 6 स्टेप है, तो आप इसको 20 + 40 लिखो, इससे बेहतर है डायरेक्ट 20 + 40 60 होता है वो आप लिख दो, तो जो अल्फा प्लस बीटा है ना 20 + 40, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि 60 डिग्री है, प्लस अल्फा माइनस बीटा, 20 - 40 क्या होगा, -20, इसको लिख दिया, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, और बाहर क्या मौजूद है, कॉस 80, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इनके अंदर ये 2 टर्म थी, इन 2 टर्म को सिंप्लीफाई करके आपने इस तरह लिखा, ये 1/2 अपनी जगह पे, ये कॉस 80 अपनी जगह पे, बस इन 2 पे जो भी आपने किया अभी तक फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, ये पॉजिटिव ही होगा ना क्योंकि फॉर्मूला गलत निकला। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो कॉस 60 है ना बच्चों, कॉस 60 कैलकुलेटर से निकालेंगे 1/2 होता है, और इस माइनस मैंने बताया था कॉस के अंदर माइनस आया, इग्नोर कर दो, तो सिंपल कॉस 20 हो जाएगा, वैल्यू आप निकाल नहीं सकते कैलकुलेटर के बगैर, ऐसी रहने दो इसको। तो जस्ट अभी मैंने क्या किया, कॉस 60 जगह मैंने 1/2 ले लिया,
अब यहां पे आपने ऑब्जर्व करना, मैं करके आ रहा हूं। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। इस 1/2 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1/4 और 1/2 cos 20। अच्छा अब बाहर अंदर है दो टर्म, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, और बाहर क्या मौजूद है 1/2 cos 80। तो सबसे पहले 1/2 cos 80 इस 1/4 से मल्टीप्लाई होगा। क्या आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से, आंसर आएगा 1/8, और 1/8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री। सेम इसी पैटर्न पे 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म से तो ये हो जाएगा 1/4 cos 20, और इस 1/4 cos 20 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह 80 आती है। अगर किसी को नहीं समझ आया थोड़ा सोचना, इस cos 80 को अगर यहाँ पे लिख दोगे ना तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि किस तरीके से हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली टर्म जो है ना इसको आपने एज इट इज लिखना है, इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, इस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दूसरी दफा फॉर्मूला अप्लाई करो, अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जरा अप्लाई करो 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, 20 प्लस 80 क्या होता है 100 डिग्री। फिर फॉर्मूला था कॉस अल्फा माइनस बीटा, 20 माइनस 80 क्या होता है -60। अब देखो -60 जगह मैं जब 60 लिख रहा हूँ, क्योंकि अब इतने तेज तो आप लोग हो गए हो कि आप लोगों को पता है कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव आपने इग्नोर कर देना, बाद में मुझसे नहीं पूछना 2 महीने बाद के साथ नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, 20 माइनस 80 तो नेगेटिव होता है। तो जरा सुन लेना 20 माइनस 80 होता है -60, और कॉस के अंदर जब माइनस आए तो आप कॉस के अंदर इग्नोर कर देते हैं, तो सिंपल कॉस 60 हो जाएगा। अच्छा पहली वाली टर्म एज इट इज आपने कॉपी करनी है, कुछ नहीं करना उसको। दूसरी वाली टर्म में 1/4 है, और अंदर जरा हम देख लेते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अंदर सबसे पहले तो 1/2 मौजूद है, तो 1/2 को कॉस 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 कॉस 100 हो जाएगा। कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 को इस कॉस 60 मतलब 1/2 है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा 1/2। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, कॉस 80 डिग्री 1/4 को पहली टर्म से करो तो जाएगा 1/8 कॉस 100, 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 1/6। ये काम मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन आप लोग पहली दफा सवाल देख रहे हो तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट नहीं करवाया, जो मैं बताने लगा हूं जरा गौर से सुनना। ये कॉस 80 और कॉस 100 इसमें से किसी एक को छेड़ सकते हो आप। 80 को आप कैसे लिख सकते हो, 80 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 100, उस तरह नहीं लिखना, साइंस नहीं बनेगी उसकी। 100 को हम छेड़ते हैं, 100 मतलब जो 90 से बड़ा एंगल है ना उसको आप छेड़ो। 100 को आप किस तरह लिख सकते हो, इस तरीके से 100 को आप लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 80, जो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो अलाइड एंगल में मैंने बात बताई थी आप लोगों को। तो आपने क्या किया 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री को डिफरेंट अंदाज में कैसे लिखोगे, 180 माइनस 80, 180 को जब आप 80 से माइनस करते हो तो पीछे क्या आता है 100 आता है। तो ये तो मैंने कोई अजूबा तो नहीं किया ना, ये तो बेसिक मैथ है। ये करने से मुझे फायदा क्या होगा वो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। इसको जब आप इवेलुएट करोगे तो अलाइड एंगल में आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले 1/8 अपनी जगह पे, अलाइड एंगल में आपने पढ़ा था कि 180 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये कॉस है अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद जो इसके साथ बेसिक एंगल लिखा होता था वो आप यहाँ पे लिख दोगे। 180 माइनस 80 कहाँ पे होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है नेगेटिव, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पहले पॉजिटिव था लेकिन अब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस 100 जो है ना, असल में जो असल चीज आपने यहाँ पे की है, कॉस 100 बराबर होता है माइनस कॉस 80 के, ये असल में चीज। इसका इंटरमीडिएट दरमियान का स्टेप क्या था कि आप 100 को ब्रेक करोगे 180 माइनस 80 में, फिर जब आप अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये आपस में बराबर। और ये करने से फायदा ये हुआ कि शुरू की दोनों टर्म आपकी कैंसिल, ये पॉजिटिव के साथ है नेगेटिव के साथ है, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1/60। यही काम आपने हर सवाल के अंदर, यही दो दफा आपका फॉर्मूला लगेगा, इसी टाइप के आपके स्टेप्स होंगे, इसी तरह एंड पे दो टर्म कैंसिल होंगे और आपके पास डायरेक्ट आएंगे। बुक की एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 312 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये आप लोग ट्राई करेंगे। इस टाइप के सवाल जो है ना बच्चों, ये लॉन्ग में या शॉर्ट में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन सवालों में ना हर चीज कवर हुई हुई होती है, जैसे इनमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इनके फॉर्मूले कवर हो गए, प्लस एक्स्ट्रा काम है, प्लस अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो पेपर में ज्यादातर वो सवाल आते हैं जिनके स्टेप्स भी एटलीस्ट 5 नंबर का सवाल है, तो 9-10 स्टेप तो होना, और उसके अंदर बाकी कॉन्सेप्ट सारे आए हुए होंगे,
अब हाल ये नहीं आ सकता कि भाई इसको आप एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सा बड़ा काम है। तो इस किस्म के सवाल होते हैं ना, ये एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। अब आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। दोनों एक किस्म के पार्ट हैं, एक ही काम करना है आपने इसके अंदर। पार्ट नंबर 2 में थोड़ा ज्यादा काम करना है वो मैं बता देता हूँ, तो इसलिए पार्ट नंबर 2 ही करवा देता हूँ। भाई राइट हैंड साइड पे तो आपको दिखते हुए लग रहा है कुछ खास काम कर नहीं सकते आप, तो बेवकूफी होगी अगर राइट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, ऐसा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करो तो आप कोई फॉर्मूला लगाने की पोजिशन में हो नहीं। देखते साथ आपको खुशी हुई होगी कि यार इस पे तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, जाके देख लेना। मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था वो जो सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले थे, मैंने उसमें बताया था कि साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला है, साइन यू माइनस साइन वी का भी है, कॉस यू प्लस वी कॉस यू माइनस वी, मतलब कॉस यू माइनस कॉस वी, इनके फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर साइन यू प्लस कॉस वी आ जाए, नहीं पता आपको, कॉस यू प्लस साइन बी आ जाए या कॉस यू माइनस साइन बी आ जाए, आपको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम उनको उन्हीं चार में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमने पढ़ा था। अब कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या वो जरा देख लो। अभी आप कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। आप इसमें से अगर आपको टर्म सेम करनी है, अगर वो आप चार फॉर्मूले देखो ना, उसमें टर्म सेम होती है, साइन यू प्लस साइन बी, साइन यू माइनस साइन बी, मतलब दोनों साइन है, फिर नीचे वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस है, ठीक है? तो आप या तो कॉस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या साइन को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सेम करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, कॉस को ही साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, ये बात मैंने आप लोगों को अलाइड एंगल के अंदर शायद बताई थी, या शायद मैंने ये बात आप लोगों को फंडामेंटल कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। एक टॉपिक होता है को फंक्शन का, आई गेस मैंने फंडामेंटल लॉ की बात बताया होगा। जो भी है, कॉन्सेप्ट क्या होता है को फंक्शन का। को फंक्शन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि साइन और कॉस जो है ये को फंक्शन होते हैं। क्या मतलब कि कॉस को आप साइन की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से कि इनके एंगल का सम जो है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए, इनके एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब 11 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास 90 आए, 79। तो कॉस 11 हमेशा बराबर होगा साइन 79 के, यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो। इसी तरह बिल्कुल अगर आपके पास आ जाए कॉस 53 डिग्री, तो कॉस का को फंक्शन क्या है, साइन, किस एंगल पे ये बराबर होगा। 53 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि 90 आएगा, तो 53 में आप ऐड करोगे 37। तो देखना कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना इनकी वैल्यूज आपस में बराबर है। ये को फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। तो इसी तरह साइन सॉरी कॉस 11 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 79, तो आपने ये लिख दिया। इसी तरह नीचे कॉस 11 आ रहा है, यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, साइन 79। और ये करने की वजह ये थी कि ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सको इसके। अब आप न्यूमिनेटर पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो साइन यू प्लस साइन बी, और डिनोमिनेटर पे कर सकते हो साइन यू माइनस साइन बी। जरा अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन यू प्लस वी, 79 प्लस 11, चलो प्लस करके लिख देते हैं ना, 79 प्लस 11 क्या होता है, 90 होता है। तो यू प्लस वी अपॉन 2, इसी तरह यू माइनस वी, 79 माइनस 11 क्या होता है, 68। तो ये हो गया यू प्लस वी अपॉन 2, ये हो गया यू माइनस वी अपॉन 2, वेयर यू है 79 और वी है 11, बाकी मैथ आप लोग खुद ही कर लो। इसी तरीके से नीचे अप्लाई होगा साइन यू माइनस साइन वी का, तो पहले कॉस की टर्म आएगी, एंगल एग्जैक्ट सेम ही होंगे, 90 अपॉन 2 और 68 अपॉन 2, 2 से 2 तो कैंसिल करते हैं। ये हो जाएगा ऊपर साइन 45, और इसके साथ 68 को 2 से डिवाइड करो, 34। इसी तरीके से कॉस 90 अपॉन 2, अगेन कॉस 45, और साइन 68, ये हो जाएगा साइन 34 डिग्री। याद रखो बच्चों, साइन 45 कॉस 45 सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी ले लो, या अगर आप इसको उस तरह देख लो, इनकी वैल्यूज अगर आपको याद है, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट के बराबर। तो कॉस 34 अपॉन साइन 34 बराबर हो जाएगा कॉट 34 के। ये काम अगर आप पार्ट वन में करोगे ना, तो डायरेक्ट राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी, लेकिन पार्ट नंबर 2 में डायरेक्ट राइट हैंड साइड नहीं आ रही आपकी। राइट हैंड साइड टेंजेंट 56 है, जबकि यहाँ पे कॉट 34 है, वही एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जो कॉस 11 है ना, आप इसको इस तरह लिखो, कॉस 11 क्या होता है, 90 माइनस 79,
11 को आप लिख सकते हो ना इस तरह, 90 माइनस 79। फिर वही राइट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ कि 90 पे फंक्शन चेंज होता है, यहाँ पे साइन आ जाएगा तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो चीज मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बताई थी ना, वो आप एलाइड एंगल से भी कर सकते हो, इस तरह भी हो सकता है। तो अगर चाहो तो इसको वैसे ही कर लो कि जो कॉट 34 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 56। 34 को किस तरह लिखा, 90 माइनस 56, 90 माइनस 56 34 ही होता है। उसके बाद वही एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, जो आपने वहां एलाइड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे ना, क्या किया था, 90 पे फंक्शन चेंज, कॉट हो जाएगा टेंजेंट, तो यहाँ पे एंगल हो यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही होते हैं, तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।